हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। समर में खिलने वाले फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग मैं तो इससे पहले ही कर चुका हूं। अगर आप अभी तक कटिंग प्रूनिंग नहीं किए हैं, जैसे कि हिबिस्कस, एलाबोंडा, कंचन जैसे प्लांट्स की कटिंग आप अभी कर सकते हैं। तो मैं कटिंग किया था आज से ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, तो मेरे प्लांट से आप देखिए छोटे छोटे से बर्ड्स भी निकलना शुरू हो चुका है, छोटे छोटे से ब्रांचेस आना शुरू हो गया है। तो ये सही वक्त है, इस टाइम अगर आप किसी भी समर में खिलने वाले फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग कर दो तो आने वाले सही समय में मतलब मार्च के एंड से ही प्लांट पे बर्ड्स आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एलामंडा के प्लांट पे भी नए नए से ब्रांचेस आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए जहां से आप कटिंग करोगे वहां से 2-3 नए नए से ब्रांचेस आएंगे और आपके प्लांट पे आने वाले समय में बहुत सारे फ्लावरिंग होंगे। पीछे ओलियंडर के प्लांट के भी मैं कटिंग और प्रूनिंग कर दिया था। और यहाँ पर स्थल कमल के प्लांट पे देखिए फूल भी जस्ट खिलना शुरू हुआ है। हालांकि ये तो समर में खिलने वाले प्लांट है, जो भी हो 2 फूल खिला है, हर दिन ही एक आध फूल खिलता रहता है। यहाँ पर इक्सोरा के प्लांट पे भी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, गुच्छों में फूल खिल रहे है। और ऑरेंज प्लांट पे देखिए फ्लावरिंग कितना ज्यादा हुआ है, अभी इस समय बहुत सारे फूल खिले हैं। और लास्ट ईयर मुझे 5 ऑरेंज मिला था इसी प्लांट से और प्लांट मेरा 2.5 साल पुराना प्लांट है। लास्ट वीडियो पे मैं शेयर किया था ऑरेंज प्लांट की केयर कैसा होना चाहिए अभी फरवरी के महीने में। अगर आप वीडियो नहीं देखे है तो वीडियो जरूर देखिए, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। यहाँ पर और भी कुछ इक्सोरा के वैरायटी है, पिंक कलर में ये फ्लावरिंग करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स और ब्रांचेस आना शुरू हो चुका है। और उसके ही सामने है सेवनी प्लांट पे भी अभी फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है। देखिए बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस आना शुरू हुआ है। थोड़ी बहुत इसको प्रूनिंग में किया था लेकिन हार्ड प्रूनिंग नहीं किया हूँ क्योंकि प्लांट मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रूनिंग किया था। और बहुत सारे ब्रांचेस देखिए नए नए से पत्ते के साथ आना शुरू हुआ है। और मेरे कैरी के अगर मैं अपडेट दूं तो पपाया प्लांट पे बहुत सारे पपाया लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ पपाया तो धीरे धीरे इसके साइज इंक्रीज हो रहे हैं और नए नए से बहुत सारे फ्लावरिंग भी आना शुरू हुआ है, लेकिन पौधे का ग्रोथ अचानक थम चुका है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, हो सकता है ये अभी सीजन चल रहा है ऐसा पतझर वाला, तो इसलिए हो सकता है ऐसा हुआ है। लेकिन जो भी हो, मेरे कैरी के अंदर मैं जो सीड्स ग्रो किए थे समर्स में वेजिटेबल्स मिलने वाले उन सब पौधे पे अभी तक यहाँ पर तो कोई भी प्लांट्स निकल कर नहीं आया है। और यहाँ पर देखिए मिली के ड्वार्फ वैरायटी में कितने सुंदर रेड कलर में फ्लावरिंग खिल रहा है छोटे छोटे से। यहाँ पर और एक दूसरा वैरायटी है, ये भी देखिए कितने सारे फूल देखिए लगना शुरू हो चुका है। ये सब समर में खिलने वाले प्लांट है। बोगनवेलिया के प्लांट पे भी कितने सुंदर फूल खिला है। और बोगनवेलिया प्लांट को मैं एक छोटा सा पॉट बनाया था सीमेंट से, उसी पॉट के अंदर शिफ्ट किया हूँ, इसे मैं बॉन्साई बनाऊंगा अभी। और यहाँ पर टमाटर के प्लांट पे बहुत सारे टमाटर लगे हैं। और देखिए यहाँ पर एक आध टमाटर को खराब भी किया है, मंकी आ रहा है हर रोज, तो बहुत सारे टमाटर है यहाँ पर। पीछे के साइड पे एक मिली की वेराइटी है। और यहाँ पर बीन्स के प्लांट पे बहुत सारे बीन्स मुझे अभी भी मिल रहा है। बहुत सारे बीन्स के प्लांट में इस साल ग्रो किया था और कल ही बहुत सारा हार्वेस्ट भी किया हूँ, अभी भी बहुत सारे बीन्स। और देखिए यहाँ पर मटर भी लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मटर के प्लांट पे भी मटर अभी तक लग रहा है थोड़े बहुत, यहाँ पर भी कुछ मटर लगे हैं। तो ये कैरी पूरा एकदम फुल है, बहुत सारे प्लांट है इस कैरी के अंदर। और यहाँ पर और एक टमाटर के प्लांट है, इसमें भी बहुत सारे टमाटर लगा है। टमाटर के प्लांट धीरे धीरे अभी खराब हो रहे हैं, ये सब टमाटर जब पक जाएंगे तो प्लांट को मैं हटा दूंगा। यहाँ पर समर में होने वाले वेजिटेबल्स प्लांट की सीडलिंग्स जो मैं किया हूँ ऑलरेडी, उस सब प्लांट को मैं शिफ्ट कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए कुछ जारबेरा के वैरायटी है ऑरेंज, और एक पिंक बहुत खूबसूरत फूल खिला है, ग्रोथ बहुत अच्छे है, आने वाले समय में और भी बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। और जारबेरा यहाँ पर ऑरेंज कलर में 3 फूल खिला है और अभी बहुत सारे बर्ड्स देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से आपको देखने को मिल जाएगा, धीरे धीरे ये भी इंक्रीज होकर
फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बॉटल गॉट के प्लांट को ग्रो किया हूँ और कुछ बीन्स की प्लांट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी बहुत सारे बीन्स लगे थे जिसे मैं कल ही हार्वेस्ट कर चुका हूँ। लास्ट कैरी के अंदर अभी भी पालंग लगा हुआ है और नया जो वेजिटेबल्स को मैं ग्रो किया हूँ वो भी धीरे धीरे देखिए इसके भी साइज इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे देखिए वेजिटेबल्स समर में होने वाले जो मैं सीडलिंग किया था वो भी बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर है मेरे एक सीम के प्लांट जिसके अंदर बहुत सारे सीम लगे हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए इसका साइज देखिए कितने बड़े साइज में लगे हैं, बहुत सारा लगा है। मैं चाहूँ तो हार्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं एक आध दिन के अंदर ही इसे हार्वेस्ट कर लूंगा। ऊपर के साइड पे भी बहुत सारे है और फ्लावरिंग भी हो रहा है। हालांकि ये तो विंटर में होने वाले वेजिटेबल्स है और अभी भी वेजिटेबल्स मुझे मिल रहा है, नया प्लांट है, इस साल ही मैं इसे ग्रो किया था। बहुत सारे देखिए सीम लगे हुए हैं। और इसी कैरी के अंदर मैं क्यूकम्बर के बहुत सारे सीड्स ग्रो किया था, छोटे छोटे से प्लांट्स निकल कर आ चुका है। और यहाँ पर मेरे जो थर्मोकोल के दो डिब्बे आपको देखने को मिल रहा है, ये मेरे कटिंग ट्रे है, पुराने प्लांट्स है इसके अंदर बहुत सारे जो ऑलरेडी लग चुके हैं और ये रिपोर्टिंग के काबिल भी हो चुका है। मैं आने वाले समय में इसको रिपोर्टिंग कर दूंगा। और कुछ नया हिबिस्कस की वैरायटीज की कटिंग मैं ग्रो किया हूँ। यहाँ पर एक हिबिस्कस की वैरायटी है मेरे पास जिसके अंदर रेड कलर के कितने बड़े साइज में फूल खिला है, देखिए बहुत बड़ा हाइब्रिड वैरायटी है ये। वहां पर भी एक फूल खिला हुआ है और एक आध ब्रांच बर्ड्स भी लगे हुए है। बहुत सारे हिबिस्कस की वैरायटी है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे एक नींबू के प्लांट है, बहुत सारे नींबू इसके अंदर लगे थे जिसे मैं हार्वेस्ट किया हूँ। अभी भी कुछ नींबू आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे ये कागजी वैरायटी है, यहाँ पर ये देखिए पक चुका है यहाँ पर। और एक नीचे के साइड पे ये देखिए सब पक चुके हैं और बहुत सारे फूल हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं इस प्लांट पे। और यहाँ पर मेरे कटिंग सीडलिंग ट्रे जो मैं आप लोगों के साथ एक फुल वीडियो शेयर किया हूँ कौन कौन से प्लांट्स है इसके अंदर। यहाँ पर बॉटल गॉर्ड, पम्पकिन, क्यूकम्बर और बरबट्टी और ओकरा जैसे बहुत सारे समर में वेजिटेबल्स जो बनते हैं उस सब के सीड्स में इसमें ग्रो किया था लास्ट 11 दिन पहले। और इसका फुल अपडेट मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो पे शेयर भी किया हूँ। तो मैं सिर्फ कोकोपीट के अंदर सीडलिंग किया था और सीड्स मेरे एकदम 90-95% जर्मिनेट हो चुके हैं। दो तीन दिन के अंदर मैं इन सब को मेरे छत के ऊपर जो कैरी बना हुआ है उसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा।